हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब? और मैं हूँ आरजे महक, जो शायद मुझे पहली बार देख रहे हैं। आप मुझे हमेशा कहते हैं कि महक तुम हर बार वीडियो में क्यों कहती हो मैं हूँ आरजे महक, हम तुम्हें जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो उन्हें मेरा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। और सवा दो महीने पहले हमारी चैनल, मैं मेरी कह के सेल्फिश नहीं बनूंगी, आपके सपोर्ट के बगैर वो पॉसिबल नहीं था, हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए आरजे महक चैनल ने, और हमारा फैमिली 1 लाख सब्सक्राइबर्स का बन गया। तो इमीजिएटली कुछ ही दिनों में यूट्यूब ने मेरा चैनल वेरीफाइड कर दिया। मेरे आप देखना, मोबाइल पे नहीं दिखेगा वो, लेकिन आप डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे हो तो आप मेरी चैनल पे जाओगे तो आरजे महक के बाजू में, या फिर मेरी कमेंट्स जब रिप्लाई आप पढ़ोगे तो एक टिक मार्क आता है, वो वेरीफाइड यूट्यूब ने कर दिया कि भैया ये ऑथेंटिक चैनल है, आरजे महक ये ही है। तो ये टिक मार्क मिलना बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। दूसरा अचीवमेंट मैं वेट कर रही थी, उससे ज्यादा आप लोग वेट कर रहे थे कि महक कब आएगा सिल्वर बटन, तो आ गया। ये देखिए, ये एक्चुअली बहुत ही लाइक मिरर जैसा रिफ्लेक्टिव है, तो मैं थोड़ा सा आपको ऐसे साइड में दिखा रही हूँ, क्योंकि वरना वो लाइट का पूरा सेटअप इस पे रिफ्लेक्शन आएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा इस पे। मैं इसका अलग से शॉट आपको वीडियो में आगे देने वाली हूँ। तो ये देखिए, सिल्वर प्ले बटन, ये ऑल द वे फ्रॉम USA आया है, यूट्यूब हेडक्वार्टर से। लिखा है प्रेजेंटेड टू आरजे महक फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। बहुत बहुत बड़ी बात है ये। और एक देखिए सर्टिफिकेट यूट्यूब CEO ने साइन किया है यहाँ पे, और काफ़ी मोटिवेशनल बातें यहाँ पे लिखी है, हमारे एफर्ट्स को इसमें अप्रिशिएट किया गया है। ये प्ले बटन है ना, एक्चुअली ट्यूजडे आफ्टरनून में ही आ गया था, लेकिन मुझे 3-4 दिन लगे उसे विश्वास करने में, एब्जॉर्ब करने में कि ये आ गया, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में क्योंकि मैंने YouTube चैनल शुरू की थी तब, मेरे कोई गोल नहीं थे, क्या सिल्वर बटन देखो तो कितने टाइम तक पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ जाओगे, इतने जाओगे तो कुछ मिलेगा या कुछ नहीं। मुझे लगा था कि मैं अपने प्रॉब्लम से निकलने के लिए वीडियो बनाना मैंने शुरू किया था, कि मैं जो कुछ घंटे मैं फ्री रहती थी ना, तो मैं लाइक बहुत ही नेगेटिविटी में चली जाती थी। मुझे लगा मैं अपने आप को बिजी रखूंगी तो मैं थोड़ा कम अपसेट होंगी या डिप्रेस होंगी, बस वही गोल से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। पर मैंने डेडिकेशन अपना 100% दिया, ये आप शायद ये आप जानते हैं। तो ये मेरी अकेले की सक्सेस नहीं है, अगर ऐसा कहूंगी तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा, बहुत बड़ा झूठ होगा। तो ये आप सभी की मेहनत है, स्क्रीन के पीछे भी कुछ लोग हैं और आगे, यानी कि आप लोग सब। पहला कोई पर्सन जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो मेरा वेरी फर्स्ट सब्सक्राइबर, मेरा पहला वीडियो, उस पे पहला व्यू, पहला कमेंट, पहला लाइक, पहला डिसलाइक भी बहुत मेरे लिए मायने रखता है। मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि डिसलाइक करने के लिए भी तो एफर्ट करना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सभी की, जो मुझे आप इतना मानते हैं, मेरे में इतना ट्रस्ट रखते हैं, एंड मैं नहीं बदलूंगी। आप देख लो मेरा पहला, मैंने 400 से ज्यादा वीडियो बनाए हैं, आप देख लो पहले वीडियो से लेके मैं वैसी ही हूँ। और 1 लाख क्या मैं 10 लाख पे जाऊंगी तो भी मैं शायद मैं और हम्बल होती जाऊंगी, मैं और पेशेंट कूल काम होती जाऊंगी, पर मैं लाइक बदलूंगी नहीं, मैं ऐसी ही रहूंगी। सक्सेस मेरे को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि और यूट्यूबर बनने से पहले ऑलरेडी 12 साल से मेरा एक सक्सेसफुल करियर चल रहा है। जिनको नहीं पता है, कई बार आप लोग पूछते हैं कि महक ये आरजे लिखा है ये क्या होता है? आरजे यानी कि रेडियो जॉकी, जो रेडियो पे बोलता है। आपने मुन्ना भाई MBBS में विद्या बालन को देखा होगा, या फिर प्रीति जिंटा को सलाम नमस्ते में, या फिर अभी तुम्हारे सुलू में आपने मलिष्का को देखा, बहुत बड़ी आरजे है मुंबई की। और विद्या बालन जब आरजे बनती है तो रेडियो पे जो बोलते हैं उसे आरजे कहते हैं। 12 साल से आरजे हूँ सूरत में, यहाँ पे गुजरात में, और मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, यानी कि जो एड्स, डॉक्यूमेंट्रीज में जो पीछे आवाज़ आप सुनते हो वो आवाज़ मैं देती हूँ उसके पीछे। रेडियो जॉकी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, यानी कि मूवीज़ में, एड्स में कोई मॉडल बोलता है लेकिन शायद उनकी आवाज़ इतनी अच्छी ना हो, या वो उच्चारण उनका ठीक ना हो, तो
डबिंग आर्टिस्ट होते हैं वो पीछे से बोलते हैं और फिर आवाज उनके वो बोलने की लिप सिंक के पीछे जोड़ दिया जाता है, तो लगता है कि जो स्क्रीन पे दिखता है वो ही बोल रहे हैं, पीछे आवाज मेरे जैसे लोगों की होती है। बहुत सारे इवेंट्स, सेलिब्रिटी इवेंट्स मैं करती हूँ, तो मास्टर ऑफ सेरेमनी यानी कि एंकरिंग बीच में बोलना होता है माइक पे दो परफॉर्मेंसेस के बीच में, तो मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी यानी कि एंकरिंग एंकर हूँ। चार मेरे प्रोफेशन यूट्यूब से पहले ऑलरेडी थे और अभी भी है, और पांचवा है मेरा यूट्यूब जो बहुत ही लाइक सब मेरे लिए, मुझे सभी से प्यार है, मेरे सारे रोल्स से मुझे प्यार है। बहुत ही जल्दी मुझे इतना सारा प्यार आपसे मिलेगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सूरत और उसके आसपास में साउथ गुजरात में 50 किलोमीटर्स के एरिया में मुझे पिछले 12 साल से करीबन 60 लाख लोग हर रोज सुनते हैं, तो वो प्यार तो मेरे लिए था ही, वो लिसनर्स तो मेरी वो दुनिया तो है ही, फॉलोअर्स मेरे, पर ये आप एक नई दुनिया बन गई जो इंडिया के पता नहीं कौन से कोने में से आप मुझे देखते हैं, जितना प्यार भेजते हैं, इंडिया से बाहर भी लोग मुझे देखते हैं, तो ये यूट्यूब की दुनिया बहुत बहुत कमाल की है यार। मैं लिटरली आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं एक यूट्यूबर बनी। मैंने कब सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगी ये मैं आपको बता दूं, 2016 जून में मैंने स्टार्ट किया मेरा चैनल। उससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं स्टेज शोज करती हूँ सेलिब्रिटीज के साथ और भी बहुत सारे इवेंट्स मैं करती हूँ, तो उसमें अच्छे से आपको तैयार होके जाना पड़ता है, आप जब बोलते हो स्टेज पे इतने सारे लोग आपको देखते हैं, तो मैंने यूट्यूब से ही इनफैक्ट काफ़ी सारा मेकअप करना सीखा, धीरे धीरे ये रिव्यूज़ देख देख के खरीदा और सीखा कैसे करते हैं। तो मैं जब भी देखती थी ना, तो मैं कुछ यूट्यूबर को देखती थी कि मुझे लगता था कि यार इनसे तो अच्छा मैं बोल लेती हूँ और मुझे मेकअप भी आता है, तो क्यों नहीं मैं यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट कर दूँ। तो इस तरीके से मैंने यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया और मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि कौन देखेगा, कौन देख रहा है, नहीं देख रहा है, मुझे करने में मजा आता था बस, तो मैं करती थी वो चीज़, मुझे खुशी मिलती थी। उस टाइम पे क्या था कि मेरी पर्सनल लाइफ में और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे, कुछ कुछ ठीक नहीं चल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रही थी। रेडियो पे आप जब कोई रेडियो जॉकी को सुनते हो तो बहुत ही स्पीड में, फास्ट, एकदम एक्साइटमेंट में, रेडियो सिटी 91.1 पर मैं हूँ आरजे महक, चलिए नेक्स्ट गाना सुनते हैं, इतनी मतलब एनर्जी में, और जैसे मेरा बोलना ख़त्म होता था रेडियो पे मैं रोती थी, तो खैर वो लोगों को पता नहीं होता था। तो बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था मेरी लाइफ में, पर्सनल भी कुछ था और प्रोफेशनली ऐसा था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ग्रुपिज्म हो रहा था। मैंने उस पर मेरी चैनल पे वीडियो भी बनाया है कि मेरे साथ ऑफिस में कैसा पॉलिटिक्स एंड ग्रुपिज्म, मुझे कॉर्नर किया गया था, और मेरी ऑफिस 7th फ्लोर पे है और आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे वहाँ पे बैठ के ऐसा ख्याल आता था कि मैं जंप कर दूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम से लाइक थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए मैं अपना वर्क करती थी और वहाँ पे भी सेम ऐसा होता था। तो एनीवे मुझे वहाँ वापस नहीं जाना है वो वाले स्टेज में, लेकिन अगर आपकी लाइफ में भी फिलहाल ऐसा कुछ हो रहा है कि बहुत इमोशनली आप ज़्यादा डिस्टर्ब है, ऑलमोस्ट डिप्रेशन के लाइक बॉर्डर पे है, तो आपको क्या करना है, मैं अभी भी खैर ऐसा है मेरा, रोना नहीं है तो मैं अभी भी यही करती हूँ, मैंने लाइक 24 आवर्स में से सिर्फ मुझे लाइक नींद आ जाती है अपने आप तो मैं सो जाती हूँ, तब तक मैं काम करती हूँ। मैं सुबह उठने से लेके रात को सोते समय लाइक मैं 18 आवर्स काम करती हूँ, तो मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा काम में डाल दिया, इतना इन्वॉल्व मैंने अपने आप को कर दिया कि अब नेगेटिविटी ना मुझे छू भी नहीं सकती है। तो यही है कि डिप्रेशन में है अगर आप मेरी तरह और बहुत सारे प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोग हैं जो हम लड़कियां यूजुअली होती है, तो आप है ना फ्री नहीं बैठिए, आप चाहे कुछ भी प्रोफेशन में, कुछ भी एज है, कहीं पे भी आप रहते हैं, अपने मन को बिजी रखिए कुछ कंस्ट्रक्टिव अच्छी चीज़ों में, नई चीज़ें सीखे, पढ़े, रीडिंग आप करो,
पॉजिटिविटी, बहुत सारी ऐसी आप पढ़ो, या फिर आप फिटनेस में ध्यान लगा दो, कुकिंग सीखना अगर आपको पसंद है तो वो उस पर थोड़ा सा ध्यान लगा लो, तैयार होना पसंद तो उसमें लगा लो ध्यान, मतलब आप ना बिजी हो जाओ बस। तो मेरे लाइफ में यूट्यूब का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर मेरे को कोई पूछता है, तो मैं आज हूं ना यहाँ पे आपके सामने, वो ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है यूट्यूब ने ये मुझे दिया है। सब्सक्राइबर दिए, चैनल दिए, इतना प्यार दिया, पैसा है, आगे जो भी कुछ होगा, कोलैबोरेशन है, स्पॉन्सर इन्वॉल्व, वो सब जो भी होगा फ्यूचर में वो ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आज मैं हूं ना आपके सामने, जो आप मुझे हमेशा कहते हो कि भाई तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम हमेशा स्माइल करती हो, तो वो सब चीजें मुझे पॉजिटिविटी से मिली। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक जगह पे एक पेज ऐसा नहीं है, एक प्रोफाइल नहीं है ऐसी पॉजिटिविटी की जो मैं फॉलो ना करती हूँ। तो प्लीज आप भी वैसा कुछ कीजिएगा, ताकि अपने आप को बिजी रखिएगा। मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं अपने आप को भी नुकसान पहुंचाती थी, क्योंकि मैं किसी और को नुकसान पहुंचा नहीं पाती थी, तो गुस्सा अपने आप पे निकालती थी मैं। तो सेल्फ लव एक मैंने सीखा पॉजिटिविटी से, एक सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने सीखा कि अपने आप को प्यार करो, अपने आप को रिस्पेक्ट दो। तो ये सभी कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी, और YouTube पे मैं इतना बिजी होने लगी, क्योंकि मुझे लाइफस्टाइल पहले से ही मेरा फेवरेट रहा है टॉपिक। मैं बहुत पहले, लाइक 11 साल पहले, रेडियो पर भी वुमेन का शो करती थी, तो मुझे याद है कि मेरे लिसनर्स मुझे फ़ोन करके बोला करते थे कि मैडम आपके जो टिप्स हैं ना, मैम आपका जो शो हम रेडियो पे सुनते हैं ना, तो हम डायरी लेके बैठते हैं। मैडम डायरी लेके क्यों सुनते हो मेरा शो? तो वो कहते थे कि आप जो भी टिप्स देते हैं ना, हम नोट कर लेते हैं। मैंने बोला है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो अच्छा, मेरे में ये भी है टैलेंट। तो वो एक कहीं पे था कि मैं मेकअप करती थी, थोड़ा सीखा था, मेकअप था मेरे पास थोड़ा, मुझे इंटीरियर का शौक है, मुझे शॉपिंग का भयंकर शौक है, मुझे एंटरटेनमेंट क्योंकि मेरी करियर का एक पार्ट है, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने बहुत पहले बेकरी में डिप्लोमा मैंने किया है, तो मैं एक अपना बेकरी ओपन कर सकती हूँ, सारे केक्स, सारी कुकीज एंड सब कुछ वो मैं बना लेती हूँ। तो मुझे कुकिंग में भयंकर वाला इंटरेस्ट। तो ये सब चीज़ों में ना मैंने रिसर्च शुरू किया, मैं पढ़ती गई, मैं वीडियोस देखती गई, और मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में भी अभी कुछ ऐसा स्टेज चल रहा है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं काम थक गए हैं, अभी कुछ नहीं सूझ रहा है, तो आपको आपके अंदर की जो हिडन टैलेंट है ना, उसे आप ढूंढो कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो। जनरली पता है क्या होता है, फीमेल्स, हमें पता होता है क्या, बहुत अच्छे से हमें क्या पता होता है अपने बारे में, जानते हो आप कि हम किस चीज़ में बुरे हैं, हमें क्या चीज़ नहीं आती है, क्या क्या खराबियाँ हैं। अगर पूछूँ ना, अब भी आप 10 सेकंड में आप 20 अपनी बुराइयाँ बता दोगे, मेरा वेट ज़्यादा है, मैं चिड़चिड़ी हूँ, मेरे को ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं जा सकती। और अगर मैं पूछूँ कि आपके 3-4 टैलेंट बताइए, तो आपको सोचना पड़ेगा, इसी में सारा रहस्य छुपा हुआ है, यही सवाल में रहस्य छुपा हुआ है। तो उसी को ढूंढिए, अपने आप को ढूंढ लीजिए उसी में से। तो इस तरीके से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ और आज यहाँ तक पहुँच गया, हमारा चैनल बन गया अभी, और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और सभी को, लाइक मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, 400 से ज़्यादा मैंने वीडियो बनाए, और हमेशा लाइक मेरे रेडियो पे भी मेरा ये प्रैक्टिस है कि कोई भी लिसनर, सुनने वाला कोई भी वर्ग का है, लाइक सादे से कपड़े पहन के आया है, कोई लेबर सा है बेचारा, पैरों में स्लीपर पहने हैं, कपड़े ठीक ठाक है, और मैं महक मैम को मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें रोज़ सुबह सुनता हूँ। तो मैंने मेरे सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा से कहा है कि मुझे मिलने कोई भी आ रहा हो, मैं खाना खा रही हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मुझे उनसे मिलवाओ, क्योंकि आपको कोई बंदा या बंदी अपना टाइम निकाल के, पेट्रोल जला के या फिर ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करके, टाइम निकाल के आपको मिलने आता है। और मैंने देखा है कई और आरजेस हैं, सबका नेचर अलग होता है, तो सिक्योरिटी अंदर फ़ोन करती है आपके डेस्क पे, तो लोग कह देते हैं, उनको बोल दो ना, मैडम अभी सर अभी रिकॉर्डिंग में है, अभी बिजी है, मीटिंग में है, तो
लेकिन मेरे लिए हमेशा से बहुत ज्यादा महत्व है। इतने हमारा स्टूडियो का जो फोन है वो बहुत बड़ा, उसमें 12 लोग एक साथ फोन कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली हमेशा मैंने 99% कोशिश की है कि मैं हर एक कॉल्स को उठाऊं और हर एक से मैं बात करूं। कोई मुझे कहीं भी मॉल में मिल जाता है, कहीं मार्केट में कोई मिल जाता है, कोई इवेंट में मुझे कहीं कोई मिल जाता है और कहता है कि अभी सेल्फी तो धीरे धीरे कुछ 4-5 सालों से आया, मैं उनके साथ सेल्फी खिंचाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा कोई पसंदीदा पर्सन मुझे मिल जाए और मैं उनके पास जाऊं सेल्फी लेने, उनसे मिलने, और वो कहे ठीक है बाद में, तब मेरा जो दिल टूटता है तो मुझे कैसा लगता है। तो बस यही फंडा मैं यूट्यूब पे भी फॉलो करती हूँ और मैंने अभी तक 95% कमेंट्स को रिप्लाई कर दिया। मतलब इतने 2 साल से मैं रात को जग जग के करती हूँ कमेंट्स के रिप्लाई। कई बार आपको, आप देखना कभी टाइमिंग आपको शायद उसमें दिखता हो नोटिफिकेशन में, तो 2 बजे 1 बजे 3 बजे कहीं भी जगती है क्या पूरा टाइम वैसा। तो मैं आई ऑलवेज ट्राई कि 1 लाख क्या 10 लाख पहुंच जाए, फिर भी मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं सिंपल ही रहूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा होगा मेरा है एक सक्सेसफुल करियर, लेकिन उसका सक्सेस ने मेरे को बदला है तो अच्छी तरीके से बदला है, पर मुझे वो ईगो एटीट्यूड वो ना मेरे से नहीं होता है। हाँ मैं मूवफट हूँ, कई बार ना मैं आपको दे देती हूँ ऐसे जवाब, शायद मैंने कुछ लाइव करे होंगे उसमें भी मैंने गुस्सा निकाल दिया होगा, या मैं कमेंट्स में भी मैं लिख देती हूँ आपको जो है वो, पर उसमें ना कुछ मिलावट नहीं होती है, जो अंदर है ना वही बाहर होता है, तो वो एक मैं हूँ वैसा। प्रॉब्लम गिनो की क्वालिटी आई डोंट नो, पर ठीक है उसमें भी मैं काफ़ी लाइक थोड़ी कूल पेशेंट बनने की धीरे धीरे और कोशिश कर रही हूँ। तो एवरी डे हम लर्न करते हैं हमारी अंतिम सांस लास्ट ब्रीथ तक, तो वो मैं सीखती जाऊँगी और मेहनत करती जाऊँगी, और मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ, अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मेरा एक और बड़ा फैमिली भी बन गया है। तो थैंक यू सो मच मुझे प्यार देने के लिए, मुझे इतना एंकरेजमेंट देने के लिए, और मुझे ना शुरू में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आते थे कि तुम गुजराती हो, तुम्हारे बोलने की स्टाइल से पता चल रहा है। तो देखो उसमें मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली मेरी मातृभाषा यानी कि मेरी मदर टंग गुजराती है, मैं गुजराती में पढ़ी हूँ, और हिंदी, हाँ हिंदी भी हमें पढ़ने में आता था, कुछ 5th स्टैंडर्ड से आता था, तो हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है। शायद आपको लगते होंगे कुछ प्रॉब्लम्स मेरे में, सो वो भी आप मेरे को माफ़ कर देते हो, ये भी आपका बड़प्पन है। तो हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, तो शायद मेरा लहजा आपकी जैसा एकदम मैं धड़ाधड़ हिंदी एकदम ऐसे नहीं बोल सकती क्योंकि वो मेरी मदर टंग नहीं है, लेकिन आई ऑलवेज ट्राई कि मैं नए नए शब्द सीखूँ और उसे और अच्छे टोन से अच्छे लहजे से बोलूँ। तो प्लीज़ आप उसमें भी मेरी मदद कर सकते हैं। जब मैं बातें करने लगती हूँ तब फिर तो टाइम देखना पड़ता है, बस चले ही जा रहे हैं। मेरे वीडियोस ना बहुत लंबे नहीं होते हैं, आपने देखा होगा, मुझे ना बड़ा ही टू द पॉइंट एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड कट टू कट, जो रेडियो पे 60 सेकेंड होती है ना, 61 सेकेंड हुई ना तो क्लास लगती है कायदे से हमारी, कोई विश्वास नहीं करता है ये सब बातों पर, लेकिन अभी ना बहुत ही वो आदत हो गई है एकदम कट टू कट और सेकंड पे जाता है। लाइक यूट्यूब तो कभी बना नहीं करता है कि क्यों 15 मिनट का वीडियो बनाया, क्यों 30 मिनट्स का लाइव किया, लेकिन एकदम जब ऐसे भावनाओं में बहके तो बोल जाते हैं कि अरे यार लंबा हो रहा है वीडियो। तो आपने जो मेरे में टाइम इन्वेस्ट किया इतने लाइक 2 सालों से, और जो इमोशंस मेरे में आपने इन्वेस्ट किए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं हमेशा उसे याद रखूंगी और कभी डिसऑनेस्ट नहीं रहूंगी। हाँ कई बार गुस्से में कुछ जवाब दे देती हूँ, वो अलग बात है, पर्टिकुलर सिचुएशन की बात होती है, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव सपोर्ट, बाय।